श्री हनुमान चालीसा का पाठ साधक के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि देने वाला है, क्योंकि वहां श्री हनुमान जी के सोयस का गायन है और हनुमान जी ऐसे हैं, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। दुर्गम काज सुगम हो जाता है श्री हनुमान जी के अनुग्रह से। जिसे श्री राम जी मिल गए उसे सब सुख मिल जाते हैं। राम जी के दरबार में प्रवेश ही भक्त का श्री हनुमान जी की आज्ञा से ही संभव हो सकता है। इसीलिए सारे सुख देने वाले श्री हनुमान जी, सुखों का योग और क्षेम के लिए तुम रक्षक, श्री हनुमान जी रक्षक हैं, रखवारे हैं, किसी का डर नहीं है, किसी का डर नहीं और कभी डर नहीं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कानन भूधर बारी बयारी महाविष व्याधि दवा अरि घेरे, संकट कोटि तहां तुलसी सुत मातु पिता हित बंधु ननेरे, राखी है राम कृपालु तहां हनुमान से सेवक हैं जेहि केरे, नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक में। डर नहीं है, जो हनुमान जी के आश्रित है वो निर्भय रहता है। देखो, जहां रक्षक होता है वहां व्यक्ति निश्चिंत रहता है। लेकिन आपने सोच यह भी विचार किया होगा, रक्षक अगर घर में है, घर में कोई रक्षक है तो आप घर में निश्चिंत रहेंगे, पर बाजार में तो चिंतित रहेंगे। और बाजार में रखवाला आपके साथ है तो घर में चिंतित रहेंगे। देश में कोई आपका रक्षक है तो विदेश में चिंतित रहेंगे, और विदेश में कोई रक्षक है देश में नहीं तो देश में चिंतित रहेंगे। इसीलिए किसी की भी रखवाली में सदा निश्चिंत नहीं रहा जा सकता, कितना ही उत्तम कोटि का रक्षक क्यों ना हो, क्योंकि वह सब समय सब जगह नहीं हो सकता। पर हनुमान जी अगर रक्षक हो तो आप सब समय सब जगह निश्चिंत हैं। क्यों? आप ये बताओ कि ऐसी कौन सी जगह, चाहे घर हो, चाहे बाहर, चाहे देश, चाहे विदेश, परदेश, कमरा, कमरे से बाहर, कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां हवा ना हो। पवन तो सर्वत्र है,
और तो जहां जहां पवन है वहां वहां प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। पवन भीतर भी है और पवन बाहर भी है, तो आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां निडर तभी हो सकेंगे जब हनुमान जी आपके रक्षक हों। और हनुमान जी पवन पुत्र हैं, तो जहां जहां पवन वहां वहां हनुमान जी, तो सब जगह सब समय पवन, और इसलिए सब जगह सब समय उपस्थित हैं पवन कुमार। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं तुम रक्षक काहू को डरना। अच्छा एक बात और है, पवन बाहर हो ऐसा ही तो नहीं है, पवन भीतर भी है। तो डर बाहर ही नहीं भीतर भी है। बाहर अगर अत्याचारियों का डर है, दुर्दांत दस्युओं का डर है बाहर, तो भीतर काम क्रोध मद लोभ सब ये भीतर है। अच्छा आप विचार करके देखना, एक कथा मैंने सुनी थी महात्मा अगस्त जी के बारे में। एक वन में दो राक्षस रहते थे, एक का नाम था आतापी और एक का नाम था बातापी, दोनों भाई थे। एक जाता किसी संत को निमंत्रण करने के लिए भक्त का मायावी रूप बनाकर, महाराज हमारे घर प्रसाद ग्रहण करो, पधारो आज आपकी भिक्षा वही है। संत कहते जो भगवान की इच्छा। आतापी बुला लाता, और जो उसका दूसरा भाई था बातापी, वो अपने को भोजन के रूप में प्रस्तुत कर देता, महात्मा ग्रहण कर लेते और वह भीतर चला जाता। फिर महात्मा कहते भैया आतापी तुम भी भोजन करो। कहा मैं अपने भाई को बुला लूं, तो कहता भैया बातापी आओ, भैया बातापी। तो बातापी महात्मा का पेट चीरते हुए निकलता भीतर से। ऐसे कई संत मार डाले, लोग परेशान हो गए, अगस्त जी के पास गए कि यह समस्या है। अगस्त जी बोले अब की बार जब निमंत्रण देने आवे तो हमारे पास भेजना। आया वो निमंत्रण, बोले हमारे गुरु जी को ले जाओ इस बार। वह और खुश हुआ कि अब तो सीधे गुरु जी से ही शुरुआत करेंगे। गया अगस्त जी, बोले चलो। अगस्त जी गए, छक्कर भोजन किया। तुम भी भोजन करो आतापी, मैं अपने भाई को बुला लूं खुशी से। अब बहुत बुलावे वो बातापी बातापी बातापी, वो निकले ही नहीं। अब तो बोलो अब क्या हुआ, मेरा भाई बातापी नहीं निकल रहा। अगस्त जी बोले आतापी ये अगस्त का पेट, इसमें समुद्र समा गया, तेरे बातापी का क्या पता लगेगा कहां गया। और बातापी को भीतर हजम कर लिया और बाहर आतापी तड़प तड़प के मर गया। यह कथा है, पर यह कथा बड़ी सांकेतिक है। एक राक्षस बाहर है और एक राक्षस भीतर है। अगर हम लोग इसे अपने जीवन से जोड़कर देखें तो ये दो राक्षस हम लोगों के साथ रहते हैं, एक बाहर है एक भीतर है, और ये दोनों सगे हैं। विषय बाहर है, वासना भीतर है। विषय बाहर और वासना भीतर।
अच्छा किसी ने गाली दी, अपशब्द बोल दिए, तो गाली कहां है? बाहर। क्रोध कहां है? भीतर। अच्छा एक बात है, तो बाहर वाला भाई ही तो भीतर वाले को बुलाता है, बुलाता है ना, बाहर वाला ही भाई बुलाता है भीतर वाले को। गाली रूपी आतापी कहता है, क्रोध रूपी बातापी बाहर निकल, है ना। विषय कहता है वासना से कि बाहर निकल। कोई आकर्षक चीज बाहर है, उसको पाने की कामना भीतर है, लालच भीतर है, धन बाहर है, लोभ भीतर है, जितने विकार हैं ये सब भीतर हैं। और जिन चीजों की वजह से यह विकार जाग जाते हैं, वासना जग जाती है, वे विषय बाहर हैं। इसीलिए तुलसीदास जी बड़ी सांकेतिक बात करते हैं, कहा हनुमान जी महाराज दोनों से बचा लेते, पवन बाहर भी है और पवन भीतर भी है। भीतर बातापी हजम कर लिया, अगस्त जी ने कहते समुद्र सोख लिया। इसका अर्थ यह है कि जो वासना को पचा सके उसने समझ लो संसार के समुद्र को सुखा लिया, हजम कर लिया, पार हो गया वासना को पचा। अच्छा और वो बातापी जब निकलता था तो संत को जीवन नष्ट करते हुए निकलता था। ये वासना जब जब भीतर से बाहर आती है, संतत्व को नष्ट करते हुए आती है, यही इस कथा का संकेत है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, बाहर विषय तो रहता है पर वह भीतर से वासना नहीं पनपने देता। क्यों नहीं पनपने देता? क्योंकि हनुमान जी महाराज जिसके रक्षक होते हैं उसके लिए जितने विषय हैं, है ना, चाहे वह सुस्वाद व्यंजन हो किसके लिए, सुंदर वस्त्र किसके लिए, अपने लिए नहीं। भोजन स्वादिष्ट है, तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। जितने आकर्षक विषय हैं, अगर हनुमान जी रक्षक हैं तो हम उन्हें भगवान से जोड़ देते हैं। फूलों का बड़ा सुंदर हार भगवान के लिए ठीक रहेगा, बड़ी स्वादिष्ट अच्छी मिठाई भगवान को भोग लगाएंगे, सुगंधित इत्र है भगवान को अर्पण करेंगे, अगरबत्ती भगवान का, वस्त्र रेशमी बड़ा सुंदर भगवान को। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हम विषयों को भगवान से जोड़ते हैं तो हमारे भीतर से वासना नहीं उपासना प्रकट हो जाती है, वासना को उपासना बना देते हैं और विषय को भगवान से जोड़कर उन्हें अमृतमय कर देते, विषयों का विष भी। अच्छा देखो, विष को भी अमृत बनाने की कला में वैद्य कुशल होता है, वैद्य जो विष है उसको भी औषधि बना दे वैद्य, तो हनुमान जी वैद्य ही तो हैं। क्यों है वैद्य? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और हनुमान जी कौन है? सदगुरु वैद्य, सदगुरु वैद्य। तो हनुमान जी विषयों को भगवान का प्रसाद बना देते हैं और भीतर जो वासना है उसे उपासना बना देते हैं। तो बाहर से भी रक्षा करते हैं और भीतर से भी रक्षा करते हैं। और जिसका रक्षक भीतर बाहर दोनों जगह हो तो फिर डर नहीं ना बाहर वालों का ना भीतर वालों का। इसलिए तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू, काहू को डरना।
रक्षक, तुम रक्षक काहू रक्षक, काहू काहू को डरे। तुम रक्षक काहू रक्षक काहू को डरना। अच्छा, ऐसा हनुमान जी महाराज करते हैं क्योंकि हनुमान जी महाराज के साथ स्वयं ऐसी घटना घटी। हनुमान जी जानकी माता से बोले अशोक वाटिका में, मातु मोहे लागी अति भूखा, लागी देखे सुंदर फल रूखा, लागे देखे सुंदर अब ये बड़ा सांकेतिक और गंभीर सूत्र है। भूख लगी हनुमान जी को, है ना? अच्छा एक बात बताओ, भूख पहले लगी थी बाद में फल दिखे, कि पहले फल दिखे तब भूख लगी? हनुमान जी कहते हैं कि माता पहले नहीं लग रही थी भूख, पर लागी देखी सुंदर फल रूखा, ये फल लगे हुए देखे तो भूख लगाई। और हनुमान जी महाराज ने इस वाक्य के द्वारा इतनी महत्वपूर्ण बात कही कि अगर फल न दिखते तो भूख न लगती, विषय न दिखते तो वासना नहीं जगती। यही तो सूत्र है, फल दिखे तो भूख लगाई। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि बच्चों की भूख आंख में होती है, मिठाई सीधे नहीं मांगेंगे, लड्डू रखे दिख गए तो नहीं कहेंगे कि मां मुझे लड्डू दे, मां पता नहीं क्यों फिर भूख लगाई, तो मां समझ जाती कि लड्डू दिख गए हैं इसलिए। हनुमान जी बोले ये फल बड़े सुंदर हैं। जानकी माता बोली दिखने में सुंदर हैं, परिणाम में सुंदर नहीं है। क्यों? ये रावण की वाटिका के, और रावण है मोह का स्वरूप, अज्ञान का स्वरूप, मोह दस मौली। तो यह अज्ञान की वाटिका के फल सुंदर दिखते ही हैं। और कितना बढ़िया संकेत है, अज्ञान की बगीचे के फल अगर देखेंगे तो दिखने में सुंदर हैं, स्वाद में नहीं है। अगर अज्ञान की दृष्टि से संसार को देखेंगे तो यह सुंदर दिखेगा पर स्वाद में वैसा नहीं। और क्या ये तुम्हें सुंदर दिख रहे हैं? दिश है ये धन पराव बिसते बिस भारी, धन पराव बिसते धन पराव बिसते पराव बेसते धन पराव। ये पराया धन है, ये विष से भी अधिक भयंकर विष है। माता ने बिल्कुल ठीक कहा। हनुमान जी बोले मां भूख लगी है तो ये विष अमृत कैसे बने? अच्छा आपने यह भी कथा सुनी होगी कि पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े उपदेश दे रहे थे तो द्रौपदी जी हंस पड़ी। कारण पूछा गया तो कहा कि पितामह आप इतना सुंदर सुंदर ज्ञान दे रहे हैं और इतनी बढ़िया बात कह रहे हैं, और जब चीर हरण हो रहा था सभा में मेरा, उस समय आपका ज्ञान कहां गया था?
उस समय आप क्यों नहीं बोले? तो कहा कि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था और उस अन्न का ऐसा प्रभाव था कि मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। अब उस अन्न का प्रभाव जाता रहा, वह रक्त भी बाहर निकल गया। इसीलिए अब मैं सही बात बोल पा रहा हूं। आपने कहावत सुनी होगी, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, खावे अन्न संहार के खोटा खराब विचार, और वैसा ही मन होत है जैसा करे आहार। इसलिए बड़े नियम बनाए गए, किसका खाए और क्या खाए बनाए गए, क्योंकि अन्न का प्रभाव मन पर अवश्य पड़ता है। अब यहां समस्या यह है कि हनुमान जी से जानकी माता ने कहा कि ये फल तुम्हें दिखने में सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ये वृक्ष जिसने लगाए हैं वह आदमी तो ठीक नहीं है, उसके द्वारा अर्जित धन लूट का है, लोगों को सताकर लिया गया है, और उसके बगीचे के फल खाओगे तो बुद्धि पवित्र रहेगी? रावण की बगिया के फल हैं, दिखने में सुंदर हैं, परिणाम भयंकर होगा। पर हनुमान जी ने जो बात कही वो बड़ी अच्छी है। हनुमान जी ने कहा कि माता एक बात है। क्या? कहा कि रावण की बगिया के फल हैं हो तो ये मेरा मन बिगाड़ेंगे, लेकिन एक बात पूछो। क्या? बोले मैं मानता ही नहीं हूं कि रावण के हैं। तो रावण का हो तब तो मन बिगाड़े। जानकी माता बोली तो तुम रावण का नहीं मानते? बोले ना, रावण का बगीचा अगर मैं मानता तो रावण से पूछने जाता कि फल खा लूं कि नहीं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। क्यों? बोले ना समझ लोग इसे रावण का समझे, मैं तो आपका समझता हूं। जानकी माता बोली मेरा कैसे समझते हो? कहा कि ऐसे माता, वृक्षों का जन्म कहां से होता है? पृथ्वी से। अगर पृथ्वी से वृक्ष ही न जन्मते तो वृक्षों में फल कैसे लगता? पृथ्वी से वृक्षों का जन्म है। और जानकी मैया, आपका भी जन्म पृथ्वी से है, तो पृथ्वी से आपका जन्म, पृथ्वी से वृक्षों का जन्म, तो वृक्षों का से आपका संबंध है कि रावण का? पृथ्वी से तो आपका संबंध है। और कितनी बढ़िया बात है, बस यही है विषय को बदलकर वासना के स्थान पर उपासना से जोड़ देना। कैसे? एक उदाहरण से और बात स्पष्ट हो जाएगी। थोड़ी सी गंभीर चर्चा है। जैसे हम लोग बाजार से खरीदते हैं तो लड्डू है, अच्छा लड्डू थाली में ले लें लड्डू, और यहां किसी को बांटने लगे लड्डू लो लड्डू, कोई नहीं लेगा लड्डू, तुम्हारे से ले जाओ तुम, हम कोई ऐसे भिखमंगे लड्डू के लिए हाथ बढ़ाते रहे। लेकिन कोई सज्जन आदमी ऐसे नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन उन्हीं लड्डुओं का थाल भगवान के सामने रख दो और भगवान को भोग लगा के फिर कहो भैया प्रसाद, कौन ऐसा नहीं होगा जो हाथ ना बढ़ा दे? क्यों? पदार्थ नहीं बदला, पदार्थ तो वही है, लड्डू वो पहले थे और भोग लगने के बाद भी लड्डू हैं, लेकिन एक अंतर है, पहले लड्डू थे तो व्यक्ति के थे और भोग लग गया तो प्रसाद है भगवान का, इसलिए भगवान का प्रसाद हम। अच्छा अब एक बात बताओ, लड्डू खाएं तो भले ही मन बिगड़े, लेकिन प्रसाद खाने से मन बिगड़ेगा? क्या रहेगा? आ भगवान का प्रसाद, भगवान का, और जिसके सेवन से भगवान का चिंतन होने लगे वो मन क्यों बिगड़ेगा?
हनुमान जी यही तो कह रहे हैं कि अगर मैं ये फल खा लूं अशोक वाटिका के, और यही सोचता रहूं कि रावण की बगिया के, रावण का है, रावण का चिंतन करने से मन बिगड़ेगा, लेकिन मैं तो जानकी माता से आज्ञा मांग रहा हूं, मैंने सोच लिया है कि ये फल तो जानकी माता के हैं। क्यों? क्योंकि जानकी माता का जन्म पृथ्वी से, वृक्षों का जन्म पृथ्वी से, तो हम माने ही क्यों रावण के, हम तो सीता माता के मान रहे हैं, इसलिए हमारा मन नहीं बिगड़ेगा। यह संकेत है, यही संसार में रहने का ढंग है। ये विषय विष है, लेकिन अगर इन्हें भगवान से जोड़ लो तो अमृत हो जाए। एक उदाहरण से और बात स्पष्ट हो जाएगी। एक आदमी अपनी बेटी की ससुराल गया, बेटी ने निवेदन किया कि पिताजी भोजन कर लो। पिता अपनी सनातनी पद्धति की धार्मिक मान्यताओं का आग्रही आदमी था, उसने कहा कि बेटी के यहां का नहीं खाएंगे, जल भी नहीं पिएंगे बेटी। धर्म विचार सवन सुखमाना, कहा कि भाई इनका ये धर्म है, पिता ने भोजन नहीं किया, जल भी नहीं पिया, जो फल साथ लाया था वही लेकर सो गया, भगवान का भजन करते हुए सोया, भक्त था। तो स्वप्न में भगवान प्रकट हुए, बहुत उदास। तो भक्त ने सपने में भगवान से पूछा कि उदास क्यों हो प्रभु? भगवान बोले आज मुझे बड़ा आघात लगा। भक्त ने कहा आघात किस बात का? कहा विश्वासघात का। विश्वासघात किसने किया, धोखा किसने दिया? भगवान बोले तुमने। अब वो तो सपने में ही रोने लगा कि भगवान मैंने आपके साथ क्या धोखा किया। भगवान बोले कि रोज कहते थे कि भक्तराज तुम रोज कहते थे कि हे भगवान सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, लेकिन आज मुझे पता लगा कि यहां तुम्हारी बेटी का है और घर में तुम्हारा अपना है, ना हमारा वहां है ना हमारा यहां है, हमारा तो कहीं है ही नहीं, एक तरफ तुम्हारी बेटी का है और एक तरफ तुम्हारा। अगर तुम्हारी बेटी का ना होता तो भोजन न कर लेते। पिता जाग गया, आंसू बहते रहे, उसी समय उसने बेटी से कहा कि ला भोजन दे दे। बेटी ने कहा कि पिताजी मन नहीं बिगड़ेगा बेटी का न खाओगे, धर्म नहीं बिगड़ेगा। पिता ने कहा कि बेटी का खाऊंगा, बेटी का अन्न खाऊंगा तो मन बिगड़ेगा तो धर्म जाएगा, लेकिन जब भगवान का है तो प्रसाद खाने से कोई बुद्धि नहीं बिगड़ती, ला मुझे दे दे। यह है भाव परिवर्तन। हनुमान जी बोले रावण का हो तो मन बिगड़े, अच्छा है ही नहीं रावण का, रावण ने अपना मान लिया है, फिर मैं तो आपका मान रहा हूं इसलिए आप आज्ञा दें। जानकी माता बोली तब एक काम करो, क्या देखी बुद्धि बल निपुण कपि। हनुमान जी को देखा ये बुद्धि और बल में बड़े निपुण है। यही बुद्धि बल का प्रयोग है कि विषय को भगवान से जोड़कर वासना को उपासना बना लो। कहे जान की जाहू और एक आज्ञा दे दी, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों को हृदय में रख लो तो ये विषैले फल मधुर हो जाएंगे, विष चला जाएगा। राम जी के चरणों को हृदय में रखने से विष चला जाएगा? हाँ, क्यों? श्री जानकी जी बोले मैंने देखा प्रभु रास्ते में चलते थे वन मार्ग में, तो सर्प और बिच्छू भी जब राम जी के चरणों का दर्शन करते, जिन्हीं निरखी मग सांपीनी बीछी मग सांपीनी तजही विषम विष तामस तीछी, जिन्हीं निरखी मग सांपीनी निरखी मग सांपीनी निरखी मग सांपीनी।
मग सापेनी मग सापेनी मग सा। सर्प बिच्छू विष छोड़ देते हैं राम जी के चरणों का दर्शन करके। बस यही है, भगवान के चरणों को हृदय में रख लो, फिर मधुर फल खाओ। अच्छा, आगे भी बड़ा सुंदर संकेत है। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, पूंछ नहीं जली हनुमान जी, पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। लंका वाले हनुमान जी को जलाना चाहते थे, पर हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा। जब जानकी माता ने पूछा कि बेटा हनुमान, लंका जलाए और तुम्हारी पूंछ का बाल भी नहीं जला, क्यों? आग के बीच में तुम बच कैसे गए? हनुमान जी बोले, माता एक बात मैं आपसे पूछूं, फिर मैं बताऊंगा। क्या? आप मुझसे पूछती हैं कि मैं आग के बीच में रहा फिर भी जला नहीं। माता, आप कहां रही इतने दिन तक? प्रभु ने आपसे भी कहा, तुम पावक महाकर निवास, तुम पावक महाकर जब लगी करो निसाचर नासा, पावक महाकर तुम पावक मा करो, पावक मा करो, पावक मा करो। आग में रहो, पावक में रहो। अब माता, आप इतने दिन से पावक में, आप क्यों नहीं जली? जानकी माता मुस्कुराई, कहना क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले, माता आग होती तो जलाती, पावक, और पावक में थी आप। आग मुझे जानकी माता बोली, आग तो अपने पराए को नहीं पहचानती, आग तो आग है, उसका जलाने का काम है। हनुमान जी बोले, माता बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आग तो अपने पराए को नहीं पहचानती, पावक तो अपने और दूसरे में भेद नहीं करती, लेकिन उस पावक में जो बैठा था वह तो मुझे पहचानता था। माता, अगर जलाने की शक्ति पावक में थी तो बचाने वाली भी तो आप बैठी थी, और कितनी बढ़िया बात है। आग भी नहीं जलाती उसे जो उस आग में भी छिपी हुई भगवान की शक्ति को देख लेता है। आग से हनुमान जी बचे किसकी वजह से? का भगवान की शक्ति से। बस मेरा भी वही निवेदन है कि चाहे भीतर आग लगी रहे वासना की, चाहे बाहर आग लगी रहे ईर्ष्या की, लेकिन अगर उस आग के भीतर छिपी हुई भगवान की कृपा को कोई देख लेगा तो वह आग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। यही संकेत है। अच्छा, जानकी माता आग में क्यों नहीं जली? क्योंकि अग्नि में जाते समय श्री जानकी जी ने एक काम किया, प्रभु पद ही ये धरी अनल समानी, प्रभु पद पद ही ये धरी अनल अनल समानी, प्रभु पद ही धरि अनल ही धरि अनल ही धरि अनल ही धरि अनल धरि अनल धरि अनल, प्रभु पद ही धरि। भगवान के चरणों को हृदय में रख लिया, इसीलिए तो आग में जानकी जी नहीं जली। हनुमान जी बोले, माता यही काम हमने किया आपकी आज्ञा से, आपने कहा था रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। अच्छा, एक बात और है, शत्रु दो हैं, बाहर विषय भीतर वासना, और भगवान के चरण कितने? दो। विषयों को भगवान के चरणों से जोड़ दो
तो वासना उपासना बनकर आपको भगवान के चरण से जोड़ देगी। यही रघुपति चरण हृदय धरितात मधुर फल खाओ। तो हनुमान जी महाराज बाहर के शत्रुओं से भी रक्षा करते हैं और भीतर के शत्रुओं से भी। क्यों? क्योंकि पवन बाहर भी है और पवन भीतर भी है, इसलिए पवन कुमार बाहर भी रक्षक हैं, पवन कुमार भीतर भी रक्षक हैं। और जो भीतर बाहर का रक्षक हो विषय वासना से बचावे, इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू तुम रक्षक काहू को, रक्षक काहू को, रक्षक काहू। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहू को डरना। रहत सदा निश्चिंत भरोसे, रहत सदा निश्चिंत भरोसे, कपिवर पवन कुमार के हम चाकर, हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर जग की आस करे ना कबहूं, जग की आस करे ना कबहूं, दास जुगल सरकार के हम चाकर, हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर। चाकरी क्या है हमारी? गुण गावत श्री जनक लली, गुण गावत श्री जनक लली, अरु दशरथ राज कुमार के हम चाकर, हम चाकर है दरबार के, हम चाकर। जन राजेश पिवैया रघुवर, कथा सुधा रसधार के हम चाकर, हम चाकर हैं दरबार के। राहत सदा निश्चिंत भरोसे, राहत सदा हमेशा निडर है, तुम रक्षक काहू को डरना। राहत सदा निश्चिंत भरोसे, कपिवर पवन कुमार के हम चाकर है दरबार के।
रघुनाथ जी हो। रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले। रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले। फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले, फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले। कैसा भी वक्त आए परवाह क्यों करें हम, कैसा भी वक्त आए परवाह क्यों करें हम। रखवाले बन के बैठे हनुमंत गदा वाले, रखवाले बन के बैठे हनुमान गदा वाले, रखवाले बन के बैठे हनुमंत गदा वाले, रखवाले। तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू, ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, अनेक घटनाएं उनके बारे में सुनी जाती हैं, बड़ी अद्भुत अद्भुत घटनाएं। एक घटना सुनी गई थी, सच्ची घटना है, चित्रकूट की। एक परिवार मंदाकिनी स्नान के लिए गया, घाट पर अधिक भीड़ होने से थोड़ी दूर जंगल में मंदाकिनी जी में स्नान करने लगा। नन्हा सा बालक 5 वर्ष का, उसको अनुमान नहीं था, जल में चला गया, डूब गया। सब त्राह त्राह करने लगे, खोजने की कोशिश, निकालने की कोशिश, अभी अभी डूबा, यहां डूबा कहां। माता का हृदय रोने लगी और त्राह त्राह करती उसने कहा कि महाराज, हनुमान जी महाराज, हम चित्रकूट आए। तो उसके मुंह से निकला, हनुमान जी महाराज, तुम्हें राम जी की सौगंध है, हमारा बेटा हमें वापिस कर। एक प्रत्यक्षदर्शी ने देखा कि उसकी आर्त पुकार पर एक वानर वृक्ष से कूदा और ऐसे हाथ पकड़ के बाहर बालक को कर दिया और अदृश्य हो गया। यह घटना इस युग की है, बड़ी प्रामाणिक है। गीता प्रेस के मुख्य पत्र कल्याण में छपी थी। इन घटनाओं के आधार पर कहना पड़ता है, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब प्रश्न हुआ, ऐसा कोई और है क्या? तब तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि भाई, हनुमान जी जैसे तो हनुमान जी हैं और कोई दूसरा नहीं इनके जैसा। इसीलिए यही कहा, आपन तेज संभारो आपन तेज, आपन तेज
संभारो आपे आपन तेज। आपन तेज संभारो आपे आपे आपन तेज। तीनहु लोक हाकते कांपे, तीनहु लोक हाकते कांपे आपन पे। आपे आपन तेज आपन तेज आपन तेज आपन तेज। हे हनुमान जी महाराज, अपनी तेजस्विता को आप ही संभाल सकते हो। आप इसका अर्थ है आप जैसे आप ही हैं। तेज प्रताप महाजगवंदन, हनुमान जी जैसा तेजस्वी कोई नहीं, हनुमान जी जैसा ओजपूर्ण कोई नहीं। गर्जना कर दे तो त्रैलोक के कांप जाते हैं, तीनों लोक हांकते कांपे। देखो शंकर भगवान के अवतार हैं हनुमान जी, और शंकर जी की विशेषता क्या, अगर शंकर जी कुपित हो जाएं तो क्या होगा। शिव जी एक बार कुपित हुए कामदेव पर, तुलसीदास जी कहते हैं सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप तो कंपेउ त्रैलोका, है ना। शंकर जी ने कोप किया तो तीनों लोग कांप गए, और हनुमान जी कौन है, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो अगर शंकर जी के कोप से तीनों लोक कांपते हैं, भयो कोप कंपे उत्तरी लोका, तो हनुमान जी की गर्जना से कोप से तीनों लोक हांकते कांपे। जाके ये हुलसत हांक हनुमान की, हनुमान जी की गर्जना, हनुमान जी की हांक। इसीलिए तीनों लोक, पृथ्वी पाताल स्वर्ग, चाहे देवता हो और चाहे मनुष्य हो, चाहे पाताल में रहने वाले, और तीनों लोकों में रक्षा की हनुमान जी महाराज ने, पाताल में भी। बंधु समेत जवे अहि रावण ले रघुनाथ पाताल सिधारो। देवी ही पूजी भली विधि सो बलि देऊ सबे मिल मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तबई अहि रावण सैन्य समेत संघारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
देखो आपको तीनों लोकों की घटनाएं सुनाऊं। बड़ी प्रसिद्ध घटना है, अहिरावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल में ले गए। देवी जी की पूजा कर रहा था, आदि शक्ति की पूजा, जगदम्बा की पूजा, और शक्ति पूजा करते समय बलि चढ़ा रहा है श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के। लक्ष्मण जी भी क्या करें, राम जी भी क्या करें, पर भगवान लक्ष्मण जी बोले, प्रभु कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। राम जी बोले, निश्चिंत रहो, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। लक्ष्मण जी ने कहा, लेकिन हम लोग तो पाताल में है इस समय, और हनुमान जी यहां कहां, वो तो वहां होंगे। हनुमान जी तो वहां होंगे, भगवान ने कहा कि हनुमान जी को केवल वहां मानना यह ठीक नहीं है। हनुमान जी सब जगह है, क्योंकि वे पवन कुमार हैं, और पवन आकाश पाताल पृथ्वी सब जगह, हनुमान जी वहां भी हैं और यहां भी हैं। तो हम तो बड़े संकट में हैं, भगवान बोले संकट में हो तो संकट मोचन का स्मरण करो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यार, पैठी पताल तोड़ी जब। पाताल में प्रवेश कर गए हनुमान जी, और अहि रावण की पूजा ही पूरी नहीं हो पाई, अहि रावण ही पूरा हो गया। श्री राम और लक्ष्मण को लेकर आए, श्री राम इस घटना को कभी नहीं भूलते, कभी नहीं। ये पैठ गयो मठ माही, जो भैया हनुमत नहीं होते, मोही कोला तो मही पाही, मोही कोला तो जग माही, कपि से उरिन हम ना भरत भाई, कपि से उरिन हम से उन्हें हम। जो भैया हनुमत नहीं होते, हनुमत 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 नहीं होते, जो भैया हनुमत नहीं होते, मोही
कोला तो जग माही, कपि से उरिन हम नाही। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। कपि से उरिन हम उरिन हम नाही उरिन। ये पाताल, पाताल पर भी बजरंग बली ने विजय प्राप्त की। श्री राम जी लक्ष्मण जी को लेकर आए एक लोक, पृथ्वी लोक पर हनुमान जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। बाण लग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले गृह वैद्य सुकेन समेत, तवे गिरी द्रोण सुवीर उपारो। आन सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उवारो। ओ नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। पूरी पृथ्वी को एक कर दिया, कहां लंका और कहां उत्तराखंड। अच्छा, और हनुमान जी ने पृथ्वी पर अधिकार कैसे किया? जब पर्वत हाथ में लेकर श्री हनुमान जी चले, कवितावली में श्री तुलसीदास जी ने लिखा, पर्वत की नभ लीक लसी कपियो धुकी धायो। इसका व्यवहारिक उदाहरण आज के ढंग से समझे, पंखे में तीन पंखड़ियां, सीलिंग फैन, और जब चलता है ऐसा एक आकार हो जाता है कि वे पंखड़ियां अलग होते हुए भी अलग दिखाई नहीं देती। उनके बीच का जो अंतराल है वह मिट जाता है, क्योंकि गति इतनी तेज होती है कि अंतराल का पता ही नहीं लगता। तो हनुमान जी इतनी तीव्र गति से चले कि उत्तराखंड से लेकर लंका तक उनकी गति के कारण एक लीक जैसे रेखा खिंच गई हो। पर्वत की नभ लीक लसी कपियो धुकी धायो। और कितने वेग से गए, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजाए। हनुमान जी महाराज ने पहले तो पवन का वेग लज्जित किया, फिर मन का वेग लज्जित किया, और फिर गरुड़ का वेग लज्जित किया। ये पृथ्वी लोक की घटना। एक सज्जन बोले, इसमें व्यतिक्रम हो गया है। हमने कहा कैसे? कहा कि ऐसे तो सुना जाता है कि पहले साधारण, फिर विशेष, फिर विशेषाधिक और अधिक। तो टॉप तो अंत में होता है, शिखर की बात आखिरी में कही जाती है। पर ऐसा थोड़ी कि अच्छा और फिर सबसे अच्छा, और अंत में बोले जो पहले अच्छा कहा था उससे कुछ अच्छा। ये तो क्रम बिगड़ गया। मन की गति तो सबसे अधिक होती है, पर तुलसीदास जी ने उपमा कैसे दी? मारुत नंदन मारुत को पवन का वेग लज्जित किया, और फिर मन का वेग लज्जित किया, और अंत में गरुड़ जी का वेग लज्जित किया। तो मन का वेग तो गरुड़ जी से भी अधिक होगा, पर उसको बीच में क्यों ना कहा, इसी को अंत में रखना चाहिए। तो उपमा का आनंद था कि पहले वायु का वेग लज्जित किया और फिर गरुड़ का वेग लज्जित, अंत में तो मन का वेग लज्जित कर दिया। ये बात ठीक लगती? हमने कहा बात तो आपकी सही है, पर इसको थोड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचे। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा वही ठीक है। कहा क्यों? यहां गति का वर्णन किया जा रहा है। आप ऐसे समझो जैसे रेलगाड़ी चली, तो जब शुरू में चलेगी तो कम तेज चलेगी, और बीच में सबसे ज्यादा तेज चलेगी कि नहीं, बाद में उसे रुकना भी है कि नहीं। तो ऐसे थोड़ी कि रेलगाड़ी चली और फिर बीच में और फिर तो चली ही गई, ये कोई बात हुई? एक सज्जन कह रहे थे कि उन्हें हमारे परिचित मित्र हैं, वो
15 मिनट तक पानी में डूबे रहते हैं, डुबकी लगाने का इतना अभ्यास है। तो दूसरा बोला, जब ज्यादा ही कहना, बोले हमारे वो मित्र हैं वो तो दो दो घंटे पानी के भीतर रहते। तो तीसरा बोला, हमारी तो सुनो क्या, बोले हमारे मित्र डुबकी लगाई निकले ही नहीं अब तक। तो तुलसीदास जी यहां ये कहना चाहते हैं कि हनुमान जी ने शुरू में पवन के वेग को लज्जित किया और बाद में बीच में इतने तेज चले कि मन के वेग को लज्जित किया और अंत में गरुड़ के वेग को लज्जित करते हुए उतर आए धरती पर। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये वानर निकर, आए गए हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। तो जिसने पूरी धरती का एक कोना और दूसरा कोना एक कर दिया हो, यह पृथ्वी लोक पर उनका अधिकार है। अब पाताल जाकर श्री राम लक्ष्मण को ले आए हो, यह पाताल लोक पर उनका अधिकार है। दो लोक, तीसरा लोक और बचा है आकाश। और आकाश में हनुमान जी कब गए? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस समे सिर डारो। देखी के त्रास भई सबको यह संकट काहू सो जात नटा। आनी खगेश तवे हनुमान बंधन काटी सुत्रास निवारो। ओ नहीं जानत है जग में कपि संकट मोच नाम तिहारो। राम जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पाताल चले गए, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए वैद्य को ले आए और संजीवनी बूटी ले आए, धरती के कोने एक कर दिए। और रावण के बाण वर्षा से नागपास में जब श्री राम आबद्ध हो गए, लक्ष्मण जी आबद्ध हो गए, तो हनुमान जी ने सोच लिया कि पाताल की यात्रा कर ली, धरती की यात्रा कर ली, अब आकाश की यात्रा। और आकाश में कितने ऊंचाई तक गए, विष्णुलोक में गरुड़ जी को। आनी खगेश तबे हनुमान जो बंधन काट त्रास निवारो, गरुड़ जी को लाने वाले हनुमान जी और नागपास से भगवान को मुक्त कराने वाले हनुमान जी। तो हनुमान जी आकाश पर भी उतना ही अधिकार रखते हैं, उन लोकों पर जो ब्रह्मांड में दिव्य लोक है उन लोकों पर हनुमान जी का अधिकार, और पृथ्वी लोक पर अधिकार, और पाताल लोक पर अधिकार। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, आपन तेज समारो आपे आपन तीन लोक हाकते कांपे तीन लोक। हाकते कांपे तीनों लोक तीनों लोक तीनों लोक तीनों लोक तीनों लोक हनुमान जी की गर्जना से कांपते हैं। इसलिए हनुमान जी जैसे हनुमान जी, इनके तेज को कौन संभाल सके। आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। आगे बड़ी सुंदर बात, जो संकट दिखे तो हनुमान जी से प्रार्थना करें कि यह संकट आ गया है दूर करो। लेकिन आगे श्री तुलसीदास जी बड़ी अद्भुत बात कर रहे हैं, का दिखने वाले संकट के लिए तो हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं, और जो संकट दिखे ही नहीं और पीछा छोड़े नहीं। आप कहेंगे ऐसा भी संकट, हां होता है, जो स्थूल शरीर में नहीं है, सूक्ष्म शरीर में मलिन अंतःकरण वाली आत्माएं जो शरीर छोड़ने के बाद भी वासना के कारण रह गई हैं,
तुलसीदास जी उनका नाम लिख रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत प्रेत हमारी पौराणिक मान्यता है और लोगों को अनुभव भी तरह तरह के हुए और उन लोगों के अनुभवों की चर्चा मैं नहीं करता क्योंकि उनकी चर्चा हो भी नहीं सकती यहां, क्योंकि जिनकी चर्चा हो रही है उनके नाम से ही निकट नहीं आते तो चर्चा कैसे हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अजय ये किस आधार पर आते हैं भूत प्रेत? मैंने सुना है गांव की बोली में लोग भूत प्रेतों का एक नाम रखे हवा, हवा लग गई। कुछ लोग कहते कुछ ऊपरी हवा है। अच्छा एक बात बताओ, हवा तो सब जगह है और हवा का ही माध्यम लेके ये भूत पिशाच पीछे पड़ते हैं किसी के, लेकिन जिस हवा में हनुमान जी हो उनमें तो इनकी हवा खराब हो जाए, ये तो रह ही नहीं सकते उसमें। इसलिए आप निश्चिंत रहो, कहीं कोई हवा खराब हो और आपको लगे कि कहीं ऐसा ना हो, पता नहीं यहां कैसा लग रहा है कुछ, वैसे आप भगवान नाम हनुमान जी को सुनाओ और हनुमान जी को सुनाओ राम जी का नाम तो हनुमान जी निकट आते हैं, और हनुमान जी का नाम सुनाओ इन्हें एक नहीं आएंगे पास में केवल नाम से। अच्छा एक अद्भुत बात है, भूत प्रेतों के मंत्र हैं, लोग तरह तरह के मंत्र बोलते हैं। देखो ये मंत्र से झाड़ो तो भूत चला जाएगा, इस मंत्र से झाड़ो तो प्रेत चला जाएगा, पर तुलसीदास जी ने तो बड़ी अनोखी बात कही, बोले काहे को मंत्रों के झंझट में पड़े हो, मंत्र की जरूरत ही नहीं, क्या करना पड़ेगा? बोले हनुमान जी का नाम ही मंत्र है इनके लिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, नाम 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 नाम। हनुमान जी के नाम से भूत प्रेत पास में नहीं आते, और बहुत संतों का अनुभव है, बहुत भक्तों का अनुभव है। आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इस तरह की अगर कोई समस्याएं हैं तो वे निश्चित समाप्त हो जाएंगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये नहीं दिखाई देने वाला संकट। एक आदमी को इसी तरह की बाधा थी और वो समझता था कि शरीर में कोई रोग है, वो कहता था डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्या बात। हनुमान जी की कृपा के अद्भुत चमत्कार हैं, अद्भुत, इस युग के हैं, अभी के हैं, इसी समय के हैं। एक देवी को मैं जानता हूं, एकाएक उसके कानों की श्रवण शक्ति ही समाप्त हो गई, सुनाई नहीं पड़ता था। मेरे परिचय में थी तो उन्होंने दिखाया डॉक्टरों को, किसी ने कहा कि दिल्ली दिखाओ। मैं स्वयं साक्षी हूं उस घटना का, दिल्ली के इतने बड़े आयुर्विज्ञान संस्थान में किसी को समझ, कितने परीक्षण हुए कुछ नहीं, और सुनाई ना पड़े उसे।
अंत में एक दूसरी आस्थावान देवी की सलाह पर उसे हनुमान जी के मंदिर में ले जाया गया और वहां सामान्य ढंग से पुजारी ने कहा कि दो तीन मंगल दर्शन कर लो। ये मेरे साथ घटी हुई घटना कुछ वर्षों की, ये सब लोग साक्षी हैं उसके, को हनुमान जी के मंदिर पर जाने से वो जो कोप था किसी ऐसी अपवित्र आत्मा का जिसकी वजह से श्रवण शक्ति चली गई थी, जो डॉक्टरों को भी रोग समझ में नहीं आ रहा था, वो हनुमान जी के मंदिर में जाने से ठीक हो गई। अब तक ठीक है वो अभी है। और जब आवाज उसकी आई तो सबसे पहले उसने हमको ही फोन किया, जो ढोल नगाड़े बजाने से भी नहीं सुनाई पड़ता था जिसे, तब मुझे लगा कि अब वो लोग अगर ना सोचते तो लोग तो इलाज ही करते रहते, वो लोग तरह तरह की बात पूछ रहे थे कि कैसे ये हुआ कैसे ये हुआ, कोई कारण होगा। लेकिन अब ये संकट दिखाई नहीं दे रहा कारण क्या है, लेकिन नहीं दिखाई देने वाले लोगों की वजह से जो संकट आता है वह संकट भी हनुमान जी के नाम से टल जाता है। इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और आगे का ना से रो हर सब पीरा ना से रो, ना से रोग जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, बलबीरा ना से रो हरे सब पीरा ना से रोग, हरे सब पीरा ना से रोग। ना से रोग यह भी आप बात आपको बता रहा हूं, भूत प्रेतों से निश्चिंत रहें, निर्द्वंद रहें, निडर रहें, हनुमान जी का नाम लें, इनका कोई कुप्रभाव आपके जीवन में नहीं होगा। जहां हनुमान चालीसा का पाठ होता वहां ये होते ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ना से रोग हरे सब पीरा, रोग चाहे दैहिक हो दैविक हो भौतिक हो हनुमान जी मिटा देते। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप प्रयोग करके देख लेना, जितनी पैथियां हैं उपचार के लिए, एलोपैथी होम्योपैथी, मैं आपसे कहता हूं इन सब का तो उपचार जरूर करें, पर एक पैथी इसमें और जोड़ लें, हनुमत पैथी। हनुमत पैथी, हनुमत पैथी का उपचार करें, श्री हनुमान चालीसा के पाठ करें। अधिक न बन सके तो एक हमारे बड़े श्रद्धेय वयोवृद्ध भक्त राजमित्र हैं, वो कहते हैं तीन पाठ अवश्य करो, श्री हनुमान चालीसा के तीन पाठ ही तीनों तापों से आपको मुक्त रखेंगे। ना से रोग, और ऐसे ही नहीं कि एक रोग ठीक हो जाए दूसरा बना रहे। तुलसीदास जी कहते हैं ना से रोग हरे सब पीरा, भव रोग भी मिट जाएगा। ना से रोग तन के रोग हैं। देखो जैसे शरीर में रोग होते, तीन तरह की तन की प्रकृति है, वात पित्त और कफ, तीन प्रकृति। और इसीलिए
कुछ रोग बात से संबंधित हैं, कुछ पित्त से, कुछ कफ से। ये तीन प्रकृतियां सब में। श्री तुलसीदास जी बोले कि इनका वैषम्य होने पर तन रोगी हो जाता है। इसी तरह मन के भी रोग हैं, लेकिन हम लोग केवल तन के रोगों से परिचित हैं, मन के रोगों की पीड़ा का अनुभव तो करते हैं पर परिचित नहीं। जैसे किसी को सिर दर्द हो जाए, क्यों हो रहा है वो ये नहीं जानता, पर ये जानता है कि हो रहा है। इसी तरह मन के रोगों से जो दुखी होते हैं, आपने उन लोगों को देखा होगा, कई लोग मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं, आपको भी मिलते, कहते महाराज हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। उनसे पूछो क्यों परेशान हो, तो कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हैं। ऐसी कोई समस्या भी नहीं है, सब ठीक है, लेकिन हम बहुत परेशान रहते। क्यों? ये मन के रोगों की पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं पर रोगों की पहचान नहीं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ये रोग सबको है, मानस रोग कछुक में गाए हैं, सबके लखी बिरलिन पाए। तो जैसे तन की तीन प्रकृतियां हैं, बात पित्त और कफ, इसी तरह मन की भी तीन प्रकृतियां हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती यारा कफ लोभ। काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती यारा। तीन प्रकृतियां मन की हैं, क्रोध पित्त नित, ये विकृतियां नहीं है। काम क्रोध और लोभ ये मन की प्रकृति है। आप कहेंगे क्रोध विकृति नहीं है? अजय क्रोध तो आग है। अजय हम आपसे पूछते हैं, आग ना हो तो घर चलेगा? आग से ही घर चलता है। आग जब, लेकिन कब? आग जब चूल्हे में रहती है तो उस आग से घर चलता है, लेकिन चूल्हे की सीमा से अगर आग बाहर निकल गई तो जिस आग से घर चलता है उसी आग से घर जलता है। तो ये काम क्रोध लोभ की आग घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं है। क्रोध हो, लेकिन आप देखते हैं बिजली का प्रयोग करते हैं पर करंट से बचे रहते हैं। आपको परिवार चलाना है, समाज चलाना है, अनुशासन रखना है तो डांटना भी पड़ेगा। तो क्रोध आया कि नहीं? लेकिन इस क्रोध को भीतर मत रहने। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? संभव है। महाराज जनक ने क्रोध नहीं किया क्या? और महाराज जनक तो विदेह है, परम ज्ञानी कहे जाते हैं, विदेह राज। लेकिन जब लगा कि धनुष कोई उठा ही नहीं पा रहा, ये सब ऐसे, तो जनक जी ऐसे बोले बड़े क्रोध में, पर तुलसीदास जी ने छोटा सा शब्द लिखा, बोले वचन रोष जन उसाने, ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हो। क्रोध जनक जी ने किया तो लक्ष्मण जी का भी क्रोध आया। लक्ष्मण जी के क्रोध से आप तो ये कह रहे हैं प्रसन्न हो गए भगवान और जानकी माता। कभी कभी क्रोध से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। सी यही हरस जनक सकुचाने, ये उत्साह, अरे क्या बैठे हो रहे, उत्साह दिलाने वाला है। लेकिन ये घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं है। ये सीमा में रहने चाहिए, इनकी प्रकृति बिगड़ने नहीं देनी चाहिए। बात है वायु सही दिशा में रहेगा तो शरीर स्वस्थ होगा। एक आदमी बोला गैस है कि गैस ट्रबल, ट्रबल ट्रबल हो जाए तो परेशानी है। गैस तो वैसे ही है, ब्लड तो वैसे ही है, प्रेशर से बचना चाहिए।
शुगर तो है ही, बढ़ने न पाए, हिसाब में रहे। ऐसे ये काम क्रोध लोभ है, लोभ करो पर लोभ ही मत करो, क्रोध करो पर क्रोध ही मत करो। संसार में आए हैं तो काम का संबंध, कामना का संबंध तो रहे पर कामना ही ना रहे। तो जैसे बात पित्त कफ शरीर को चलाते हैं, मन काम क्रोध और लोभ के आधार पर चलता है। पर विकृति हो जाए, वायु को जिधर से जाना चाहिए वो दिशा बदल दे तो दशा बदल जाती है आदमी की। तो ये काम क्रोध लोभ सही दिशा में जाए, पर इनसे रोग उत्पन्न हुए। प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। अब मन के रोग बताए। अच्छा देखो, मैं तन के रोग और मन के रोग दोनों मिलाकर बता रहा हूं। तुलसीदास जी महाराज ने बताया, मैं आपको बता रहा हूं। पुराने जमाने में क्षय रोग बहुत होता था, टीबी ऐसा विचित्र रोग था ये, उस समय लाइलाज था। लोग जलवायु परिवर्तन करते थे और किस तरह किसी तरह शमन करने का उपाय खोजते थे। और क्षय रोग का रोगी बोलता कम था, सांस बहुत लोग समझ लेते थे कि शरीर दुबला हो रहा, इसको टीबी है, क्षय रोग है। तुलसीदास जी बोले, मन की टीबी जानते हो, मन का क्षय रोग, दुबला होना और वो सांस भरना क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं, पर सुख देखी जरनी सोई छई। दूसरे का सुख देखकर जो जी जलता है, यही टीबी का रोग है, मन की टीबी है ये, क्षय रोग। इसलिए दूसरे का सुख देखकर जलने वाले बोलते कम है, वो सांस ज्यादा भरते। जब भी देखो क्या कुछ नहीं, उसको मिल शरीर का कुष्ठ रोग हो जाए, जगह जगह तन की शोभा बिगड़ जाती, तन की सुंदरता चली जाती। ये कुष्ठ क्या है, का दुष्ट कुष्ठता मन कुटिलई, मन की कुटिलता ही कोढ़ का रोग है। ये रिश्ता रहता है, ये कुटिलता भीतर ही भीतर, जैसे कुष्ठ रोग हो जाए तो शरीर गलता रहता है, इसी तरह जिसको कुटिलता होती है, कुटिलता जीवन को गलाती रहती है, नष्ट करती रहती है। एक विचित्र रोग का नाम लिखा, कभी विस्तार से इसकी चर्चा होगी, उस रोग का नाम है डमरुआ। शायद पूरब की बोली में कुछ रहा होगा, मुझे लगता है कि डमरुआ का क्या अर्थ है। तो डमरू जैसे डमरू ऐसे ऐसे होता रहता है, कुछ लोगों को बुढ़ापे में ऐसे रोग हो जाता है, वो बेचारे सिर ऐसे 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 करते रहते, देखा होगा आपने, ये डमरुआ ही है। चलेंगे तो ऐसे ऐसे, किसी बात करेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाते, सिर ऐसे ऐसे। यह रोग क्या है? तब तुलसीदास जी ने इसका बड़ा अच्छा नाम दिया, अहंकार अति दुखद डमरुआ। तो इसको अहंकार क्यों कह दिया सिर हिलाने को? बोले अहंकारी भी मानता कहां, किसकी सिर ही हिलाता रहता है चाहे जितना समझाओ। हो गए नहीं, नहीं कोई कही माना है, मान ही नहीं सकते, मान ही। यही मन का अहंकार अति दुखद डमरुआ। शरीर का संतुलन बिगड़ जाए तो कुछ लोगों को कि उदर वृद्धि हो जाती है। एक सज्जन को हम लोगों ने बचपन में देखा, कोई बता रहे थे, वो लिखा पढ़ी का काम करते थे, बही लिखते थे, तो उनकी तोंद भगवान ने इतनी बड़ी बना दी थी कि टेबल की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो उसी पर रखकर लिखते रहते थे। उदर वृद्धि। श्री तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि तन की उदर वृद्धि एक रोग है, पर मन की उदर वृद्धि क्या है?
तो बड़ा सांकेतिक सूत्र है। तुलसीदास जी कहते हैं तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, ये मन की जो तृष्णा है यही उदर वृद्धि है। उदर वृद्धि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये उदर वृद्धि है। और त्रिविध ईसना तरुण तिजारी, इच्छा वित्तैषणा पुत्रैषणा लोकैषणा, यह तिजारी है। तिजारी कहते हैं हर तीसरे दिन आने वाला बुखार, ये त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। अच्छा एक बात है, किसी को दाद का रोग हो जाए, दाद खुजली, खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बाद में जलन होती है तो बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन आदमी खुजलाए बिना फिर भी नहीं रहता, फिर खुजली लगती है, फिर बड़े प्रेम से खुजलाता, फिर जलन होती है तो फिर रोता है, फिर खुजलाने लगता है, ये दाद का खुजली का रोग है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि मन की दाद खुजली क्या है, तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर संकेत दिया, ममता दाद, ये ममता ही दाद है, क्योंकि जिनसे हमारे मन की ममता होती उनसे बार बार मिलते, यही खुजलाना है। अरे बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और बाद में जब वो ऐसा व्यवहार करते हैं जिसकी हमें आशा नहीं होती फिर जलन होती, क्या बता क्या बता, लेकिन जलन शांत हुई जहां खुजली लगी तो फिर शुरू। इसलिए ये मन के रोग हैं, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, ये कफ ही लोभ है, लोभी का धन बड़ी मुश्किल से निकलता है, बहुत मुश्किल से। एक जगह कहीं सत्संग हुआ तो कहा कि दो भाई सहयोग करो, अच्छा काम है, संत है, लगाओ। दूसरे ने कहा इतने लोग तो दे रहे हैं, हमारा देना क्या जरूरी है। अरे कहा उनके लिए नहीं, अपने अपना धन धन्य करने के लिए दो। बोला अच्छा ठीक है। बहुत लोगों ने कहा तो दूसरे तीसरे दिन एक रुपया लेकर आया, उस समय चांदी का रुपया ऐसी मुट्ठी में दबाए, अब मन जैसे जैसे देने का हो वैसी मुट्ठी और जोर से दबाए, फिर सोचने लगा दें कि ना दें, फिर सोचा यहां तक ले आए तो दे ही दो, फिर सोचने लगा इतने लोग तो दे ही रहे, फिर बोले मित्र लोग देखेंगे कि दिया नहीं तो दे दें, अंत में फैसला बड़ी मुश्किल से कर लिया कि दे ही डाले, फिर सोचा एक बार देख तो ले फिर तो देखने को मिलेगा नहीं, अब इतनी देर से दबाए था हाथ में पसीज गया, पसीना आ गया, जो देखा हाथ में पसीना, सो रुपए को देखकर बोला कि तुम बहुत रोते हो, हम नहीं देंगे तुम्हें किसी को, फिर जेल में रख लिया, तुमसे बिछोड़ते समय तुम रो रहे हैं। आपने देखा होगा लोभी की यही विकृति है कि उसका धन एक बार जम जाए तो बहुत मुश्किल से निकलता है ना? और मन के साथ यही, और तन के साथ भी, इसीलिए गोस्वामी जी ने से कफ कहा, कफ लोभ अपारा, और कफ भी एक बार जम जाए तो बहुत मुश्किल से निकलता है। हम तो इसका अनुभव खुद कर रहे हैं, भुक्त हो गए, एक बार जम जाए। तन में कफ की विकृति हो जाए और जम जाए तो बड़ी मुश्किल से निकले, और लोभी के पास धन जमा हो जाए तो बड़ी मुश्किल से निकले। तो तुलसीदास जी ने ऐसा मिलान किया है, यही विधि सकल जीव जग रोगी, सारा संसार रोगी है, सारा संसार तन से रोगी हैं और मन से रोगी हैं, और जैसे तन के रोग हैं वैसे ही मन के रोग हैं। अच्छा लेकिन एक बात है, तन के रोगों का इलाज तो करा भी लें, डॉक्टर साहब देखना जरा नाड़ी,
तन तो दिख भी रहा है, तन दिख रहा है तो इसको तो कोई देख भी ले, लेकिन मन तो दिख ही नहीं रहा, उसे कैसे दिखाएंगे? देखो मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। मन को अनुभव किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता जो दिख ही नहीं रहा है। तो तन का रोग हो चाहे मन का रोग हो, आप आज से निश्चिंत हो जाएं। तन के रोग मिटाने के लिए भी हनुमान चालीसा पढ़ें और मन के रोग मिटाने के लिए भी हनुमान चालीसा पढ़ें। और इसीलिए यहां एक शब्द आया है, नासे रोग हरे सब, नासे रोग हरे सब, सब रोग चाहे तन का रोग हो और चाहे मन का रोग हो, कैसे मिटेंगे? नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे, नासे रोग हरे। इसी तरह एक रोग का, जैसे आपने कफ को लोभ बताया गोस्वामी, तन में जो कफ की विकृति है मन में वह लोभ है का रूप है। इसी तरह क्रोध पित्त, ये क्रोध ही पित्त है, पित्त की अगर विकृति हो जाए, लोग कहते हैं एसिडिटी, छाती जलती, खट्टी डकार, छाती जलती। अच्छा बोलो, पित्त अगर विकृत हो जाए तो छाती जलती है, और क्रोध आ जाए तो जी जलता है कि नहीं? ये क्रोध मन का पित्त की विकृति है, छाती जलती है। यही क्रोध पित्त नित छाती जारा, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। और ये काम जो है ये बात रोग है, वायु विकार है, ये हवा का ठिकाना नहीं, कहां ठहर जाए वहीं दर्द शुरू। वायु विकृत होकर जहां पहुंच जाए, एक सज्जन बोले हमारी तो गैस यहां चढ़ जाती, सिर दर्द होता। कोई कहता हमारी पीठ में यहां दबाओ, यहां ये हवा कहां जाकर ठहर जाए वहीं दर्द शुरू हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने इसको काम कहा है, क्यों? क्योंकि हवा कहीं भी ठहर सकती पूरे तन में, और जहां ठहर जाएगी वहीं दर्द शुरू कर देगी विकृत होने पर। इसी तरह हमारी कामना जब विकृत हो जाती है तो संसार में कभी भी कहीं भी किसी की भी कामना करने लगेगी, और जहां भी कामना करेगी बस वहीं मन में दर्द शुरू हो जाएगा। पूरे तन में वायु घूमती है, पूरे जगत में विविध विषयों को देख हवा है, हवा वायु काम संबंध है, कामना का संबंध है। इसी तरह मन में उठने वाली कामना का भी जगत की हवा से संबंध है। तो ये काम की वायु जब पीड़ित करे मन को, काम की वायु जब मन को पीड़ित करे, और क्रोध जब छाती जलावे, और लोभ जब कफ की तरह हैरान करे, तब आप हनुमान चालीसा पढ़ो। न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न लोभ रहेगा, और तन में बात पित्त कफ के कारण होने वाली विकृतियां निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि यह तुलसीदास जी महाराज का वचन है, सिद्ध संत की वाणी है। और श्री हनुमान जी की महिमा पर विश्वास रखें, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर
हनुमान जी का निरंतर जप कैसे करें बिना गैप किए? निरंतर क्या करें? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सीधी साखी गौरी सा, हो सीधी साखी गौरी, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित। चर्चा को विराम, बड़े प्रेम से ले प्रभु का पावन नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।